SOL में एडमिशन लेके मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, जिसके कारण मेरा जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। जो स्टूडेंट सोल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई बेहतर कॉलेज ढूंढें। इसमें जो है कि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा सके। जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में गया, थर्ड सेमेस्टर में गया, तो उसमें मेरे को कोई स्टडी मटेरियल नहीं दी गई, क्लासेस भी नहीं दी गई, ऑनलाइन क्लास दी गई। उसमें मतलब जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ा सकता है, जो स्टूडेंट है वो अपने मतलब प्रॉब्लम्स को पूछ नहीं सकता। SOL में एडमिशन लेके आपको कैसा लग रहा है? जी, SOL में एडमिशन लेके मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, जिसके कारण मेरा जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। और आगे के जो स्टूडेंट सोल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई बेहतर कॉलेज ढूंढें। इसमें जो है कि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। अच्छा, आपको 3 साल आपने जो है यहाँ पे बिताया है SOL में, तो आपको जो है कैसे पढ़ाई कैसे मिली है, क्लास? जी, 3 साल में स्टार्टिंग में जब मैंने एडमिशन किया, मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में तो जो स्टडी मटेरियल हैं वो सब दिए गए, लेकिन जैसे जैसे मतलब पढ़ाई बढ़ते गया, जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में गया, थर्ड सेमेस्टर में गया, तो उसमें मेरे को कोई स्टडी मटेरियल नहीं दिए गए। बाकी जो सेमेस्टर के शुरुआती में फ़ीस बराबर टाइम पे ले ली जाती थी, एडमिशन फ़ीस के साथ जो है सेमेस्टर की भी फ़ीस ली जाती थी, उसके साथ साथ जो सेमेस्टर के अतिरिक्त फ़ीस भी ली गई 500-500 रुपये बच्चों से, लेकिन कोई वो स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया, क्लासेस भी नहीं दी गई। अभी मतलब 1 साल पहले जो है कोरोना वायरस आया था, तो उसके कारण जो है क्लासेस नहीं दी गई। और जो मई जून का एग्ज़ाम जो ये फिज़िकल एग्ज़ाम ले रहे थे, तो 2 महीने पहले ही इन्होंने ये घोषित कर दिया था कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो फिज़िकल एग्ज़ाम के साथ साथ इन्हें जो फिज़िकल क्लासेस भी देनी चाहिए थी, जिसके कारण इन्होंने मतलब फ़िज़िकल क्लास नहीं दी हमें, और ऑनलाइन क्लास दी गई। उसमें मतलब जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ा सकता है, जो स्टूडेंट है वो अपने मतलब प्रॉब्लम्स को पूछ नहीं सकते उनसे, तो स्टूडेंट को क्या समझ में आएगा, तो इस क्लास को देने का फ़ायदा ही क्या होगा। ऐसे हुई है इनकी पढ़ाई। आपका नाम क्या है, कौन से सेमेस्टर? जी, मेरा नाम भानु प्रकाश है और मैं बीकॉम प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, और 6 सेमेस्टर में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है।